I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence, and decision making. This is module number forty-nine, and we are going to find out that what are the roots in the twentieth century sources of total leadership. this chapter, May, Stewart D. Fredman is talking about that there are certain basic questions, which are the in the development of the concept, which is nowadays total leadership. एंड दोसिक क्वेश्चन आर नंबर वन वीडरशिप एंड वाई डज इट मैटर सो लीडरशिप को डिफाइन करना और इस बात को अंडरस्टैंड करना की लीडरशिप की जरूरत हमें क्यों है और क्यों कर एक लीडर के बगैर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो चैलेंज हो सकती है द सेकेंड बेसिक क्वेश्चन विच वॉज्ड एवॉल्व ओवर दैसेज ऑफ टाइम इज टॉकिंग अबाउट हाउ डज वर्क फिट विद रेस्ट ऑफ लाइफ सो वर्क लाइफ बैलेंस के जो कॉन्सेप्ट थे दे आर बींग हाईलाइटेड थर्ड एवोल्यूशनरी क्वेश्चन वॉज दैट हाउ डू ऑर्गेनाइजेशन कल्टिवेट प्रोडक्टिव पीपल सो लोगों की एफिशियवनेस को इफेक्टिवनेस को हम किस तरीके से ब्रुएकार वो ला सकते हैं एंड द फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसके ऊपर हमें फोकस करना है दैट इज दैट हाउ डू पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन लर्न एंड चेंज सो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लर्निंग प्रस्पेक्टिव को कैसे इवॉल्व किया जा सकता है चेंज को अंडरस्टैंड और मैनेज वो कैसे कर पाएंगे सो so, ये तमाम वो बेसिक क्वेश्चन थे विच वर एक्चुअली द द ट्रिगर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ द टोटल लीडरशिप अब इज लीडरशिप एंड वाई मैटर अगर हम इस बात को फोकस करें तो देर वर सर्टेन डिवेलपमेंटल मॉडल्स जिसने कि लीडरशिप थे प्रोमोट और सपोर्ट किया वी स्टार्टेड फ्रॉम द ट्रेड्स मॉडल कि हमने लीडर में डिफरेंट ट्रेड्स को देखा कि द लीडर कैन बी सम वन हुज द इनिशियटिव लीडर वो है जो कि कॉन्फिडेंस रखता है जो परसिस्टेंट है जिसके पास सेंस ऑफ परपज है एबिलिटी टू एनकरेज है एबिलिटी टू डेलीगेट है तो हमने ट्रेड्स की बेसिस पर लीडर्स को डिफाइन करना शुरू किया लेकिन हमारे लिए चैलेंज यह बन गया कि जो ट्रेड्स हमने आइडेंटिफाई की वो तमाम लीडर्स में नहीं थी और बहुत से ऐसे लोग भी हमें लीडर्स मिले जिनमें कि ये ट्रेड्स एज सच मौजूद भी नहीं थी लिहाजा ट्रेड्स ने हमें जिस कदर सपोर्ट किया वो ये था कि हम लीडर की इफेक्टिवनेस को कैलकुलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो कि डेवलपमेंट ऑफ द टाइम ट्रेड्स के साथ साथ हमें नजर आती है एंड दैट इज द कॉन्टेक्सट ऑफ डेवलपमेंटल कंसर्न रिलेटेड टू इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस कि हमने लीडर्स को इन दो इन दो कंस्ट्रक्ट्स के ऊपर शुरू किया कि द पर्सन है लीडर इसके अलावा हमारे पास और बहुत सी थेरीज डिवलप होनी शुरू हो गई जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ट्रांजेक्शनल लीडर पाथ गोल्स सेटिंग आपके क्रिजमेटिक लीडरशिप कंसर्न विजनरी लीडरशिप परस्पेक्टिव तो इन तमाम चीजों को इन मॉडल्स को इन थे हम बेस बनाते चले गए जिससे कि हम लीडरशिप को एक्सप्लोर वो कर सकें और ये जान पाए कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों कर जरूरी है एक लीडर का होना इसके बाद हाउ डज वर्क फिट विद रेस्ट ऑफ लाइफ अगर हम इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें तो बहुत सी नई बातें हमारे सामने आनी शुरू हुई फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड इज टेकन अप एज द अनसीन स्टेक होल्डर वर्क बिकॉज फॉर मेनी कंसर्न जहां पर सिंगल पेरेंट्स हैं या वेन हस्बैंड एंड वाइफ आर एट वर्क तो बैकेंड के ऊपर होम की वरीज बच्चों की वरीज दे आर ऑलवेज देयर एंड दैट चाइल्ड इज एक्चुअली ट्रिगरिंग यू टू बी कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन योर वर्क लाइफ एज वेल सो अब इन बैलेंसेस को क्रिएट करना और यह जान पाना कि हमारे वर्क में और हमारी पर्सनल लाइफ के इश्यूज में कहां पर क्या सिंक्रोनाइजेशन और पैटर्नाइजेशन है दैट बिकेम अ चैलेंज इसी तरह देर आर सर्टन डेवलपमेंटल स्टेजेस जिसमें के एवोल्यूशन ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स बिजनेस स्ट्रेटेजी कैसे इवॉल्व कर रही थी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज हमारे पास आने शुरू हो गई पब्लिक पॉलिसी फैमिली सिस्टम्स के ऊपर डिटेल्स इन तमाम सब्जेक्ट एरियाज ने हमारे लिए न्यू एवेन्यूज वो ओपन कर दिए ऑफ थॉट ऑफ प्रोस्पेक्टिव्स जिनको मद्देनजर रखकर हमें यह सोचना होगा कि एक लीडर का रोल दरअसल क्या है और वो लीडर अपने वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे बैलेंस कर पाएगा और वो कौन कौन से

टेंट थिंग इज विदेज ऑफ टाइम एवोल्यूशनरी स्टेजेस के अंदर जब हम लीडरशिप थे कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल ह्यूमन अप्रोच ऑल्सो केम इन फ्रंट ऑफ अस विच एक्चुअली सेड कि जब आप एक शख्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर करते हो तो आप उसको सिर्फ साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली हायर नहीं करते हो आप उसको सोशली भी हायर करते हो और जब तक उसके सोशल नीड्स फुलफिल नहीं होंगी उसके सोशल सर्कमस्टांसिस जस्टिफाई नहीं होंगे तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही तौर काम नहीं कर सकता बिकॉज टेक्निकली स्पीकिंग आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अमूमन एट आवर्स गुजारते हो और आप इन्वायरमेंट में सिक्सटीन आवर्स गुजारते हो इसका मतलब क्या ठहरा कि चौबीस घंटे के दौरान एनवायरमेंट का सोसाइटी का आपके ऊपर डबल इंपैक्ट है एज कंपेयर टू द दर्गेनाइजेशन फैसिलिटी सो हमें टोटल ह्यूमन अप्रोच के तहत एक शख्स को सिर्फ साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली एवेल्यूएट नहीं करना हमें उसको सोशली भी अंडरस्टैंड करना है और उसकी सोशल नीड्स एंड वांट्स को भी पिकअप करना है लाइकवाइज हाउ डू ऑर्गेनाइजेशंस कल्टीवेट प्रोडक्टिव पीपल अब इसकी जब हम बात करेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टोटल लीडरशिप तो ह्यूमन इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ मशीन ह्यूमन एंटिटी को हम एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर काउंट करेंगे

जिससे कि हम जॉब इन्वॉल्वमेंट जिसमें कि हम जॉब की प्रोडक्टिविटी इन चीजों को हासिल कर पाए तो ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन को हमें ज्यादा कंफर्टेबल वो बनाना होगा और उसके लिए ऑब्वियसली एर्गोनॉमिकल जो फैक्टर्स हैं उनको काउंट करना हमारे लिए जरूरी है टू मेक पीपल मोर प्रोडक्टिव वी ऑल्सो नीड टू सी ह्यूमन कैपिटल जिसके ऊपर आप ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन के कंसर्न में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हासिल करना चाहते हो उसके तकाजे हैं क्या हम जो पैसे लोगों की ट्रेनिंग पर लगा रहे हैं वो पैसे हम एज अ कॉस्ट ट्रीट नहीं करना चाहते हैं हम उनको एज इन्वेस्टमेंट डील करना चाहते हैं ताकि जब लोग अपनी उस ट्रेनिंग के बाद हमें वर्क प्रोवाइड करेंगे तो उससे हमें रिटर्न मिलेगा सो इन द थेरी रिलेटेड टू द ह्यूमन कैपिटल एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन ऑफ ह्यूमन कैपिटल ट्रेनिंग को हम लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट के तौर पर काउंट करते हैं रादर देन काउंटिंग इट एज अ कॉस्ट इसी तरह मीनिंगफुलनेस इन वर्क को क्रिएट करना हमारे लिए जरूरी है और ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ को एक शख्स की पर्सनल लाइफ के साथ हमें बैलेंस भी करना पड़ेगा टू मेक द मोर प्रोडक्टिव लाइकवाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू एड्रेस इज हाउ डू पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन लर्न एंड चेंज उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज के सेल्फ नॉलेज ज द लीडरशिप इंपरेटिव और सेल्फ नॉलेज के बगैर अपना analysis, अपना बगैर एक लीडर कंप्लीट वो नहीं हो सकता बिकॉज एक लीडर को सबसे पहले अपने आप को लीड करना वो आना चाहिए द सेकेंड थिंग जब आप चेंज की बात करोगे तो देर वुड बी सो मैनी ड्राइविंग फोर्स एंड रेजिस्टिंग फोर्स अब उन ड्राइविंग फोर्सेज को कैसे प्रमोट करना है उन रेजिस्टें को कैसे ओवरकम करना है एक लीडरशिप के में हमें यह चीजें जानने की जरूरत होगी देन हमें यह देखना पड़ेगा कि हम शॉर्ट विन्स को फोकस कर रहे हैं कि हम लॉन्ग रेंज आउटकम्स को वो फोकस कर रहे हैं सो so, ऑर्गेनाइजेशन की जो आमतौर पर स्ट्रेटेजिक जरूरत होती है दैट इज टू फोकस ऑन लार्ज स्केल चेंज रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन स्मॉल विन्स लाइकवाइज वी हैव टू बी इनोवेटिव वी हैव टू बी फोकस्ड अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो डियर स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि लीडर बनना आसान नहीं है प इज नॉट जस्ट अ कंप्लीट पेनासिया सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल हम किस तरीके से अपने आप को फोकस्ड क्रिएटिव इनोवेटिव बना सकते हैं किस तरीके से हम अपनी प्रोरिटीज अपने ट्रेड ऑफ्स वो सेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रू बैलेंस वो क्रिएट कर सकते हैं थैंक यू